वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो अभी मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। मेरे पास ये दो कुछ आज पार्सल आए हैं जो कि मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था। तो बेसिकली ये हेलमेट माउंट है जो कि मोटो व्लॉगिंग के टाइम काम आता है। तो मैंने जो है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, साथ में एक उसके लिए जो छोटा वाला माइक भी ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरे पास जो पहले जो मैंने बोया का M1 माइक जो है ऑर्डर किया था वो तो अभी फ़िलहाल ख़राब हो चुका है। तो अभी मैंने एक सोचा हेलमेट में जब हम लोग माउंट करेंगे तो उसका छोटा वायर वाला ज़रूरत है, तो मैंने एक छोटा सा मंगा लिया है। तो देखते हैं बॉस में क्या क्या चीज़ है और कैसा उसकी क्वालिटी है। तो चलिए वीडियो में बने रही है और हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग छोटे वाले बॉक्स की अनबॉक्स करते हैं, जो कि ये तो मेरे ख्याल से माइक है क्योंकि छोटा बॉक्स हम पैकिंग है। तो इसको सबसे पहले तो गाइस मेरे पास एक ब्लेड का भी इंतजाम है, तो मैं इससे पहले इस टेप काट लेता हूँ इस टाइप से। अच्छा, ये और इसकी जो इस वाइट वाले इसको भी काट लेते हैं। तो यार बॉक्स में तो बस इतना ही था। ये बॉक्स देख सकते हैं पूरा खाली है, साथ में जिसमें एक ही चीज़ दिख रहा है मेरे को, माइक। तो चलिए इसको भी खोल कर देख लेते हैं। सो गाइस ये देख सकते हैं मेरे को तो माइक। वैसे अरे यार ये भी अलग निकल गया। यहाँ पर क्वालिटी तो मेरे को बहुत अच्छी खासी लग रही है, क्योंकि इसके वायर की भी एकदम ज़्यादा जो है रबर टाइप का जो इसमें वायर है ब्लैक वाला। और ये माइक इसका तो क्वालिटी पता नहीं है, टेस्ट करेंगे तो ही समझ आएगा। मेरे ख्याल से माइक भी उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं लग रहा है, बहुत बकवास टाइप का इसका जो ये देख सकते हैं आप, ऐसा टाइप का दिख रहा है पूरा। तो चलिए इसको थोड़ा देर में टेस्ट करेंगे और अब इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं और साथ अपने दूसरे बॉक्स की ओर चलते हैं, जो कि इसका मान लो अनबॉक्स कर लेते हैं। इसको इधर काटेंगे, उधर की जरूर काटेंगे, तो इधर से ये ओपन हो जाएगा। सो ये तो गाइस सबसे पहले हम लोग आ लेते हैं इसमें जो मोबाइल होल्डर जो कि सबसे पहले छोटा सा आया था, उसको हम लोग इस टाइप से कुछ इसमें फिट कर लेते हैं। सो गाइस मैं ये माउंट में फिट कर लेता हूँ मोबाइल का मोबाइल होल्डर, जो कि मेरे को थोड़ा सा चीप क्वालिटी का लग रहा है, ग्रिपिंग उसमें अच्छे से नहीं आ रहा है, जो कि अब देखेंगे ट्राई करके कैसा फुटेज आता है उसका। सो गाइस मेरा जो कि कुछ फाइनल इस टाइप से सेटअप हो चुका है, जो कि मैंने इसको अच्छे से फिट कर दिया है। और फिलहाल दोस्तों मेरा जो हेलमेट का जो ये सामने वाला भाग है वो एकदम फ्लैट टाइप का है, थोड़ा सा कर्व टाइप का नहीं है, इसलिए ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसे जो जे माउंट को फिट होने में, बट फिर भी मैंने फिट कर दिया है। जो कि फाइनल इसका फुटेज कैसा आता है उसको तो हम लोग जब राइड करते हैं बाइक में तभी देख पाएंगे। और फिलहाल मैं कैसे कैसे इसका माइक फिट कर दिया उसको मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का दिख रहा होगा ये जो माइक है, और जो कि ऊपर में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है जो विंड को जो है रोकता है, हवा को वो वाला जो फॉर्म दिया रहता है वो है। और मैंने जो है कुछ इस टाइप से अंदर से जो है यहाँ पर जो अंदर में वायर को डाल दिया है, और साथ में ये जो 3.5 mm जैक रहता है इसको मैंने यहाँ निकाल दिया, जो कि अपने मोबाइल में अटैच हो जाएगा। तो दोस्तों इस कुछ इस टाइप से देख सकते हैं लग रहा है, और जो कि इसका जो फाइनल जो फुटेज कैसा आता है जो राइड में जो पूरे एरिया कैप्चर करता है नहीं करता है क्या है सीन उसका, तो उसको हम लोग जो है आगे वाले वीडियो में देख। सो गाइस ये तो था मेरा छोटा सा जो है मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, जो कि मैंने सेटअप कर लिया है। और जो इसका जो राइड वाला फुटेज जो मैंने जो सेकंड वाले ब्लॉग में डालने की कोशिश करूँगा, जो कि मैं जाऊँगा कहीं बाहर घूमने,
तो अभी तो शाम हो चुका है, तो अभी फ़िलहाल मैंने सेटअप बस कर लिया है। तो कैसे इसका आगे का फुटेज आता है, वीडियो शूटिंग कैसा होता है, क्या कैप्चर करता है, फिर साउंड का क्या है इशू हो रहा है कि एकदम ठीक से वर्क कर रहा है, तो इसको भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और बाय बाय।